नमः पार्वती पतये हर हर। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब देशवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस पर 140 करोड़ का भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है, जिसका दुनिया में सम्मान बढ़ा है, जिसने देश के अंदर आधुनिकतम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी आंखों से देख रहा है, जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। और हम सब भारतवासी इस बात के लिए भी विभूत हैं कि पहली बार गरीब किसी सरकार की एजेंडे का हिस्सा बना है, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि बिना भेदभाव शासन की योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ आज मोदी जी की गाड़ी के माध्यम से, मोदी गारंटी के माध्यम से वह हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, आपने कल से प्रधानमंत्री जी के दो दिवसीय प्रवास के सघन कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखा होगा कि पहली बार आपने देश के किसी प्रधानमंत्री को देखा होगा आजादी के बाद का कि जो पहली बार अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ बैठ करके योजनाओं की जानकारी भी ले रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को अपनी आंखों से देख करके आगे क्या कुछ किया जाना है इसके बारे में आगामी कार्य योजना के साथ भी आपके सामने उपस्थित हैं। और इस अवसर पर भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा हम सबके सामने है, कल काशी नगर की यात्रा में और आज काशी के ग्रामीण क्षेत्र में सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के इस बरकी गांव में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के सामने उन सभी लाभार्थियों के साथ और यात्रा में उपस्थित सभी नागरिकों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद को आपने लाइव भी देखा होगा। भाइयों बहनों, ये पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और इसीलिए मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को जो गांव गांव में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी बन रही है, उसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने के भी गाड़ी बन रही है। और साथ साथ जो लोग अभी वंचित रहे हैं उन्हें देने की गारंटी के लिए भी वह गाड़ी वहां पर आई है। उस अभियान के क्रम में अगर हम जुड़ते हैं तो आगामी 25 वर्ष की जो कार्य योजना देश को दे रखी है कि 2047 में जाते जाते हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करके एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। उस विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ करके उसे सफल बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। और आज इस दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए स्वयं काशी में पधारे हैं। काशी में आपने पिछले 9 वर्षों में बदलती हुई काशी को देखा है, एक नई काशी, एक अपनी पुरातन सांस्कृतिक वैभव को समेटे हुए एक नए काया और कलेवर के साथ काशी का दर्शन दुनिया देख रही है। और भाइयों बहनों, उसी काशी के साथ
आज 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ओवर ब्रिजेज के हैं, सड़कों के चौड़ीकरण के हैं, रेलवे के हैं, स्वास्थ्य के हैं, शिक्षा के हैं, आम नागरिक से जुड़े हुए तमाम अन्य योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए, शिलान्यास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास के लिए और इस सौगात और उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।